हमें हाँ बोला जाता है कि एक क्लाइंट होगा वहाँ चार चार क्लाइंट चढ़ते थे मुझ पर आई डिसाइडेड टू क्विट सेक्स वर्क एंड स्टार्ट अफ्रेश यहाँ पे भी लाइफ आसान नहीं है यहाँ लाइफ खत्म नहीं होती है मेरा गैंग रेप कर दिया गया वो मेरे अपनों ने मेरे कजन ब्रदर्स ने मैंने अपने रिवेंज को एंगर में बदला एंगर को एंबिशन में बदला एंड टू में मैं बन गई इंडिया की पहली जिंदगी अगर एक खाब होती तो मैं अभी सो के उठ जाती पर जिंदगी ने कदम कदम पे मेरा इम्तिहान लिया है चाहे वो सात साल की ढाबे पे काम करने वाली आइजिया हो या सात बार इंटरनेशनल पेजेंट जीतने वाली एक ट्रांसक्शुअल महिला नमस्ते मेरा नाम है नाज जोशी और मैं एक प्राउड ट्रांसैक्शुअल फीमेल हूँ मुझसे बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं पेंड रियलाइज दैट ट्रांस अरे भाई मैं तो कभी ट्रांस पैदा ही नहीं हुई थी आई वॉज ऑलवेज अ गर्ल आईने में अपने आप को देखती तो हमेशा यही देखती कि एक आइजिया वहाँ पर बैठी है एक सुंदर सी लड़की वहाँ बैठी है पर ये तो लोग घर वाले थे और बाहर वाले थे जो बोलते थे ऐसे चलो ऐसे बात करो वैसे चलो वैसे बात करो ये तो मुझे बहुत बाद में टेक्निकली रिवाइज हुआ कि मैं एक लड़का थी बचपन क्या होता है मैंने देखा ही नहीं था माँ बाप का प्यार क्या होता है मुझे नहीं मालूम था भाई बहन क्या होते हैं मुझे नहीं पता था सुना था सिर्फ इतना छक्का हिजड़ा खुसरा मामू न जाने क्या क्या वर्ड्स सो मेरी पैदाइश हुई थी दिल्ली में हिंदू मुस्लिम फैमिली में और वहीं से मेरा नाम आया एजे मैं बहुत छोटी थी केवल सात साल की जब मुझे बंधन कर दिया गया अपनी फैमिली से दूर भेज दिया गया मामा के घर बॉम्बे में वह मुझे फोर्स किया गया कि आप ढाबे पे काम करिए अगर आपको स्टडीज करनी है तो मैं सुबह स्कूल जाती और दोपहर तो पैर को ढाबे में काम करती हद तो तब हो गई जब मैं ग्यारह साल की थी और मेरे साथ बेहद एक दर्दनाक और शर्मनाक हादसा हुआ मेरा गैंग रेप कर दिया गया वो मेरे अपनों ने मेरे कजन ब्रदर्स ने ये रेप मानसिक ज़्यादा था शारीरिक काम शारीरिक पेन तो फिर भी इंसान हील कर जाता है लेकिन वो मानसिक पेन आज भी मेरे तन बदन में कहीं ना कहीं है मैं जब हॉस्पिटल में उठी तो मेरी मुलाकात किन्नर समुदाय की कि एक महिला से हुई उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो मेरे साथ आ सकती हो हम तुम्हारा लालन पोषण करेंगे लेकिन मुझे मंजूर नहीं था मैं काम करना चाहती थी और पढ़ना चाहती थी इसलिए मैं डांस बार पहुंची डांस बार में मैंने खुद को इतना सिक्योर पाया कि जितना सिक्योर मैंने लाइफ में कभी नहीं पाया अपने आप को टिल द एज ऑफ सेवनटीन एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी वेरी स्मूथ बट एट द एज ऑफ सेवनटीन एट प्लस टू आई अ बिग क्वेश्चन मार्क अब आगे करें तो क्या करें सो so एक दिन मैं ऐसे ही फेसबुक में जा रही थी ऑनलाइन एंड आई मेट माई कजन सिस्टर विवेका बाबा जी एंड इंसिडेंटली शी वॉज ऑल्सो इन मुंबई मैं उनसे मिली उन्होंने मेरी स्टाइलिंग देखी मेरे कपड़े देखे और डिसाइड किया कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बन जाना चाहिए विवेका ने मुझे फैशन डिज़ाइन के बारे में बताया और मैं आ गई अपने ही शहर दिल्ली वापस मैंने अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया पर्ल अकेडमी ऑफ फैशन से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया एन से और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी आई गाजियाबाद से एम में सो so, सब कुछ सही जा रहा था बट जाता कैसे है तो लाइफ ना लाइफ इज़ फॉलो ऑफ सरप्राइजेस मेरे लिए भी सरप्राइज़ रखा हुआ था जब मैंने दो नामचीन डिज़ाइनर्स के साथ काम किया इंडिया के जो मेरे ड्रीम डिज़ाइनर्स थे वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई वहाँ के कारीगर्स, वहाँ के वर्कर्स ने फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया छक्का हिजड़ा और क्या क्या मैं घर आती और बहुत रोती मैंने बोला कोई बात नहीं मैं और जगह जॉब ट्राई करूंगी और अलग अलग जगह जॉब सर्च करूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वालिफिकेशंस थी पर सब जगह बिकॉज आई वॉज वेरी एफेमिनेट आई कंट फिट इन टू देयर कॉर्पोरेट सेक्टर देन आई डिसाइडेड फाइनली चलो अब टाइम आ गया है सेक्स चेंज सर्जरी का मैं कुछ ट्रांसक्शुअल गर्ल्स को जानती थी मैंने उनसे गाइडेंस के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन किसी ने मुझे गाइड नहीं किया मैं इंटरनेट पे गई जो हमारा आजकल बेस्ट फ्रेंड है गूगल गूगल पे जाकर मैंने रिसर्च किया कि क्या प्रोसेस है एक सर्जरी कराने का एक मेल टू फीमेल बनने का मैंने पूरा प्रोसेस पढ़ा और मैं लैंड अप हो गई विमहैंड्स में डेली वहाँ पे मुझे मिलना था एक साइकैट्रिस्ट, एंड साइकोलॉजिस्ट से वहाँ मेरे सेशन्स हुए ऑलमोस्ट वन वीक तक और मैं तब जाके मुझे सर्टिफिकेट मिला कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और आगे जाके अपने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करा सकती हूँ मैं एंड्रोकोलॉजिस्ट के पास गई वहाँ मैंने जब, जब गई और देखा कि कॉस्ट जो है मेरे सिर्फ हार्मोन्स की टेन थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ आ रही है और मुझे दो साल तक हार्मोन पे पहना था एनी मैंने सोचा कि शायद ये कहीं ना कहीं मैं मैनेज मैं कर लूँगी देन आई लैंड एट अ वेरी वेरी रेनाउंड सर्जन जो कि सिक्स चेंज सर्जरी करते हैं वहाँ जाके मुझे कॉस्ट का मालूम पड़ा तो इट वॉज लाइक फोर टू फाइव लाख रुपीज़ जो कि मेरे लिए इंपॉसिबल था उस टाइम पर कमाने के लिए तो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेक्स वर्क सो सेक्स वर्क नॉर्मली लोग सोचते हैं बहुत ईजी है है ना मजा का मजा पैसा का पैसा ऐसा नहीं होता है सेक्स वर्क इज द लास्ट थिंग एनी वूमन ऑन द अर्थ वुड लाइक टू डू अपनी बॉडी बेचना चाहे वो रिक्शा वाला हो या बिजनेसमैन हो जो कुछ आपको अफोर्ड कर सके आपको उनके साथ सोना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडली हमारे साथ इतना ज्यादा रेप होता है आप सोच भी नहीं सकते हैं हमें हाँ बोला जाता है कि एक क्लाइंट होगा वहां चार चार क्लाइंट चढ़ते थे मुझ पर कैन यू इमेजिन क्या मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्ट और हेरास हुई होंगी मैं वहां पर यहां पे भी लाइफ आसान नहीं है यहां लाइफ खत्म नहीं होती है रात को जब मैं लाजपत नगर जाती थी घर जाने के लिए बस पकड़ने के लिए वहाँ कई बार कॉप्स ने आके मुझे मेंटली हरास किया पूछा कौन हो तुम कहाँ से आई हो ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं उन्हें बोलती तो क्या बोलती एनी आई थिंक हर क्लाउड के अंदर में एक सिल्वर लाइनिंग होती है और मेरा सवेरा और सिल्वर लाइनिंग आने ही वाला था 2012 में मैं एक बहुत रेनाउंड फैशन टॉक से मिली जो कि एक बायोपिक करना चाहते थे लाइफ ऑफ अ ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट यस यू हर्ड इट राइट उस जमाने में 2012 में उनके पास कोई भी ट्रांस मॉडल नहीं थी जो ये शूट करना चाहेगी मैंने बोला मैं करूंगी और मुझे उस टाइम गूस बम्स आते थे वो शूट करते हुए क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सीन्स थे फॉर एग्जाम्पल लाजमी नगर फ्लाई के सामने खड़े होना अपना पल्लू उतार देना आई थिंक इट वॉज सो डेयरिंग जो मेरे गूस बम्स आज भी मैं सोचती हूँ कि मैंने वो कैसे कर दिया बट हार्डवर्क नेवर वेस्ट ओके 2013 जब आया तब तक मैं इतना पैसे कमा चुकी थी कि मैं अपनी सर्जरी करा पाऊँ आई लैंड इट अप अगेन टू द सेम सर्जन मैं अकेले ही पहुँच गई बिकॉज मेरा कोई इतना फ्रेंड था उतना कोई दोस्त था कोई भी नहीं था फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं था इतनी बड़ी सर्जरी कराने के लिए मैं अकेले ही पहुँच गई सिस्टर ने पूछा कि आप अकेली कैसे आई हैं मैंने बोला मैं अकेली नहीं आई हूँ मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और अपने इमोशंस के साथ आई हूँ यहाँ पर मैं खाब पूरा करने आई हूँ और उस खाब ने मुझे ताकत दी कि मैं वो पेनफुल सर्जरी करा सकूं। खैर दस दिन के बाद टांके खुले और सिस्टर ने पूछा आपको कैसा लग रहा है मैंने बोला मुझे कुछ नहीं लग रहा है मुझे लग रहा है कि शायद यही बॉडी मेरी होनी चाहिए और मैं बहुत खुश थी सोच के कि चलो मेरे शरीर से एक अटपटा अंग जिसे मैं नहीं चाहती थी मेरी बॉडी में हो वो निकल गया मैं अकेली थी घर आई घर आके अकेले ही मैंने अपनी जो दवाइयाँ हैं खुद से लीं खुद अकेले खाना बनाया एक हाथ में मेरे ग्लूकोज की बॉटल होती थी और एक हाथ से मैं खाना बना रही होती थी अपनी एंटीबायोटिक्स अपना सफाई करना सब कुछ करना सब कुछ अकेले मैंने खुद किया बहुत दुख होता है कि काश उस टाइम कोई मेरे साथ होता सो इन दर टू थाउजेंड थर्टीन आई डिसाइडेड टू क्विट सेक्स वर्क एंड स्टार्ट अ फ्रेश मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ था अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, चाहे वो फैशन से हो मॉडलिंग से हो या डेली लाइफ से हो मैंने स्टूडेंट्स पे किए रिमोट एरिया से जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनको एजुकेट किया मॉडलिंग में बट कहते हैं वॉट यू गिव कम्स बैक टू यू जो मेरे अच्छे कदम थे उनको पढ़ाने के लिए वो मेरी शेप में आए क्योंकि मुझे फर्स्ट मॉडलिंग असाइनमेंट मिला दैट टू एज अ शो स्टॉपर इमेजिन टू जब कोई ट्रांस मॉडल वॉक नहीं कर रही होती थी मुझे दिया गया एक शो स्टॉपर बनने का मौका और मैं बन गई इंडिया की फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर शो स्टॉपर एंड ट्रांसजेंडर मॉडल सो 2015 वाज़ अ रिमार्केबल ईयर फॉर मी बिकॉज मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा जो मोमेंट है वो मिलने वाला था टू बिग हाउसेस इन मीडिया इन इंडिया दे गॉट टू लुक At the work of my fashion photographer. And they did stories on me. I was put up on the cover of Tehelka magazine for the very first time. And I was also featured in a documentary series by CNN IBN, which was played for five times in two days. And in 2015, India Pale trans Cover model. The same year, my dad happened to look at those. इमेज टहल का मैगजीन एंड सी एन एंड बी एन स्टोरी ही डिसाइड टू कॉल बैक होम मैं वापस घर आई बहुत खुश थी मैं क्योंकि तो डैड ने अपना लिया था बट मॉम ऑलवेज प्लेड दैट बदनामी वाला कार्ड के हमारी बदनामी हो गई आपने नाक कटा दी हमारी सब जगह एंड ब्ला एनी वेज इन टू थाउजेंड फिफ्टीन इट्स सेल्फ आई वॉज कोरियोग्राफिंग अ शो फॉर समबडी वहाँ पर ऑर्गेनाइजर ने मुझे बोला कि दो, दो कोड़ी का छक्का है तो दो कोड़ी का हिजड़ा है तू क्या हमारे यहाँ कोरियोग्राफ करेगा बट आई सेड दैट आई एम गोन टू टेक अ रिवेंज बैक मैंने डिसाइड किया कि ना मैं भी अपना एक ब्यूटी प्रेजेंट करूँ और उससे बड़ी बनकर दिखाऊँ मैंने अपने रिवेंज को एंगर में बदला एंगर को एम्बिशन में बदला और मैंने अपना मिसिज इंडिया होम मेकर्स टू के अंदर लॉन्च कर दिया और मैं बन गई अंतरप्राणियाँ मैं रिमोट एरिया से गर्ल्स को ढूंढती थी और उनको इंटरनेशनल भेजती थी ब्यूटी प्रेजेंट्स करने के लिए आई डिसाइडेड कि मुझे पावर चाहिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने ओपिनियंस को वॉइस देने के लिए सो आई डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन मोट इंटरनेशनल पेजेंट्स एंड आई वॉज लकी इनफ कि मुझे वो ब्यूटी पेजेंट मिले जहाँ पर आई वॉज ओनली कंपीटिंग विदर वमेन इतना सब मिलने के बाद नेम भी मिल गया फेम भी मिल गया अब क्या मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैं अधूरी हूँ कहीं ना कहीं मुझे कमी की महसूस हो रही थी मेरी लाइफ में, में आई एक छोटी सी बेटी जो कि सिर्फ पंद्रह दिन की थी मेरी इमिजिएट एक फैमिली मेंबर्स वो लोग अलग हो रहे थे दे और गेटिंग सेपरेटेड एंड डिवोर्स एंड नन ऑफ देम वू हैव दिस चाइल्ड मैंने बोला मॉम डैड को दैट आई वॉन्ट टू हर माई डैड वॉज वेरी सपोर्टिव ही वॉज अ लॉयर एंड उन्होंने मेरी चीज़ें बहुत आसान कर दी एंड आई कुड अडोप्ट दैट गर्ल मैंने भले से इंटरनेशनल क्राउंड साथ जीते हुए आगे भी जाके जीतूँगी लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा क्राउंड है मेरी बेटी जो खुशी मुझे उसके साथ मिलती है वो खुशी मुझे आज तक नहीं मिली लाइफ इज ऑल अबाउट कर्मा एंड वी हैव टू कीप आवर कर्मा गोइंग यू मस्ट बी थिंकिंग शी इज़ अ प्यूटी क्वीन अब उसको क्या जरूरत है कुछ काम करने की ऐसा नहीं होता है यू हैव टू कीप डकवरिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम माई नेक्स्ट मूवी इज नाउ आई एम बिकमिंग एन एक्ट्रेस येस यू हड इट राइट फॉर द फर्स्ट एवर टाइम यू वी सींग अ ट्रांस सेक्शुअल फीमेल ऑन योर स्क्रीन एज अ लीड फीमेल आई एम वर्किंग ऑन वन मूवी दैट कॉल्ड द्रौपदी एज अ मेन लीड एज अस जेंडर फीमेल ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन अ म्यूजिक वीडियो दैट इज ट्रिब्यूट टू श्रीदेवी लास्टली आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई टॉक्स एंड जस्ट थ्री पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गेट डिप्रेस्ड डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो हम सबको आती है कभी ना कभी लाइफ में स्पेशली रिजेक्शन से वेन वी गेट रिजेक्टेड वी गेट डिप्रेस्ड वेन वी डोंट गेट समथिंग डैट वी वॉन्ट वीट वी गेट डिप्रेस्ड वी हैव अ ब्रेकअप वी गेट डिप्रेस्ड मैं भी कई बार चल कर गिरी गिर कर उठ नहीं पाती थी क्यों क्योंकि मैं मैंटली इतनी स्ट्रोंग नहीं थी मैंने अपनी हॉबीज़ को डिस्कवर किया इन सब हॉबीज़ ने मुझे उठाकर चलना सिखा दिया और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी डिप्रेस ना हो तो प्लीज़ जो फ्री टाइम आप लोग अपने फ्यूचर को सोचने में देते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा वही आप प्रेजेंट में दीजिए एंड यू विल सी दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ नंबर टू यू आर योर ओन वेरी स्ट्रेंथ मेरी लाइफ में बहुत बार हुआ कि लोगों ने मुझे पुल डाउन करने की कोशिश करी कई बोलते थे यू हैव मैनली फेस कभी बोलते थे यू आर दिस, कई बोलते थे तुम मोटी हो क्या क्या नहीं बोलते थे बट मैं उन सब लोगों के लिए डेफ बन गई बिकॉज मुझे कुछ ना ही नहीं देता था ना दिखाई देता था सिर्फ दिखा तो अपनी सक्सेस चाहे वो मेरी मम्मी के ताने हों रोज़मर्रा के या गली मोहल्ले के बातें मैंने कभी उन पर गैयर ही नहीं किया आपको भी वही करना चाहिए आप सबके अंदर वो स्ट्रेंथ है सिर्फ जरूरत है उस स्ट्रेंथ को जगाने की नंबर थ्री नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड द वर्ड इंपॉसिबल से आई एम पॉसिबल सो मैं जब छोटी थी छोटी स्टोरी बताती हूं आपको मैं जब छोटी सी थी हमेशा भगवान के आगे माथा टेकती थी बोलती थी काश गॉड एक फेरी गॉड मदर आ जाए और मेरे ऊपर एक मैजिक इवेंट चला दे और मैं एक लड़की बन जाऊं और जानते हैं क्या हुआ जब मैं ट्वेंटीज़ में आई मुझे मालूम पड़ा कि जेंडर सर्जरी भी होती है अब और जब मैंने जेंडर चेंज सर्जरी कराई तो आई वॉज सो थैंकफुल टू गॉड कि मैंने अकेले ही सब कुछ करा और वो सब में मुझे स्ट्रेंथ मिली और ये बिलीफ मिला कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड मैंने ये सब कुछ अचीव किया विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी आप लोगों के पास तो सब कुछ है फैमिली सपोर्ट भी है सोसाइटी सपोर्ट भी है सो वाई कैंट यू इफ अ ट्रांस वूमन लाइक मी कैन रीच टू सर्टिन लेवल यू ऑल कैन इट मेरी लाइफ से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ये है कि जीवन एक फूलों की सीज़ नहीं है एक कांटों का ताज है यहां आपको जितना पेन मिलेगा आप उतना ही सीख पाएंगे अपने अस्तित्व को लोगों के जजमेंट में बहकर खो मत जाने दीजिए लोग आपको अपने कर्मों से जानेंगे लोग ये नहीं जानेंगे कि आप ट्रांसजेंडर थे मोटे थे पतले थे हाइट में छोटे थे बड़े थे कुछ भी नहीं जानेंगे तो आपके कर्मों से मुझे मौका मिले दोबारा पैदा होने का तो मैं नाज जोशी बन के ही पैदा होंगी थैंक यू सो वेली मच josh talks is now a spotify exclusive podcast the audio version of our talks will be available only on spotify if you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this please follow the josh talks podcast only on spotify it is said that when you educate a woman you educate an entire generation ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की जिन्होंने सी करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है चाहे कितनी भी मुश्किलें आए कितनी भी प्रॉब्लम्स आए अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता हाँ अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी नीला प्रणाली आरती और उषा जी ने मिलकर जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट फाइनेंस बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं यहां पर आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू तो बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन एक सेफ स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ एवरी पावरफुल वुमन वन थिंग इन दे हार्ट एंड दैट इज जोश नाउ यू कैन ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल बाई कीपिंग जोश इन योर हार्ट एंड इन योर फोन आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें